जय हिंद। आज के सेशन में हम कवर करेंगे 2022 में क्या अपडेट घटनाएं हुई है, अपडेट टॉपिक क्या क्या है, 2022 के उसमें क्या बदलाव हुआ है, इसी को लेकर के हम आज विचार विमर्श करने वाले हैं। उसमें आज का पहला टॉपिक आपके सामने है और वो है अयोध्या पहाड़ पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, इसमें क्या बदलाव किया गया है। अयोध्या पहाड़ पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत, विद्युत बनाने के लिए परियोजना की शुरुआत की है। ये देखिए बात आई है अयोध्या पहाड़ पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है। बात आई है साथियों विद्युत बनाने के लिए परियोजना की, तो हम पहले हमारा कर्तव्य बन जाता है कि प्रोजेक्ट के बारे में हम अध्ययन करें। देश का पहला पावर प्रोजेक्ट कौन सा था, देखिए यहां पर यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले में सिंद्रापोग नदी है। इन सिंद्रापोग नदी के ऊपर 1897 में देश की पहली परियोजना बनी हुई थी। देश में पहली बार कहीं पर बिजली बनाई जा रही थी, तो बिजली सिंद्रापोग नदी के ऊपर बनाई जा रही थी दार्जिलिंग जिले में। 1897 में देश की पहली परियोजना दार्जिलिंग। और सबसे बड़ी परियोजना कहां पर परियोजना बनी है, यहां पर तेलंगाना है। और तेलंगाना में 2019 में विश्व की सबसे बड़ी परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है कालेश्वरम परियोजना, ये भी याद रखना पड़ेगा। तो देश की पहली परियोजना और देश की सबसे बड़ी परियोजना और विश्व की बड़ी परियोजना यही वाली है। और अयोध्या पहाड़ पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां पर हुई है, तो 2022 में विद्युत बनाने के लिए। अच्छा ये बताइए बात आई है पानी की, तो भारत देश में जल संरक्षण अधिनियम कब बना था, जल संरक्षण अधिनियम बना था 1974 में, ये ध्यान रखना। और केंद्रीय जल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, केंद्रीय जल बोर्ड की स्थापना हुई थी 1965 में दिल्ली में, ये भी ध्यान रखेंगे। तो जल संरक्षण अधिनियम 1974 और केंद्रीय जल बोर्ड अधिनियम 1900, ये बोर्ड कहां बना है, दिल्ली में बना, 1965 में बना, ये ध्यान रखिए। और अयोध्या पहाड़ पावर प्रोजेक्ट जहां पर बना है वो जापान की तकनीक पे बनी है, जहां पर विद्युत बनने वाली है। और इसका निर्माण कहां पर हुआ है, तो साथ ही इसका निर्माण भी वेस्ट बंगाल में। आप फिर से एक बार देख लेंगे भारत का मानचित्र है, यहां पर पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल के जयपुर जिले में 1998 से काम शुरू हुआ था, 2022 में अब यहां बन गया है, प्रोजेक्ट बन के तैयार हो चुकी है, विद्युत बनने लगी है, जापान की तकनीक पर बनी हुई है। आपको याद दिला दें हम, ये भारत देश, यहां पर जापान देश है। जापान देश पहला देश जहां 1914 में पहली बार जहाज बनाया गया था, पानी का जहाज बनाने वाला एशिया का पहला देश का नाम जापान देश है, यही वो देश है। और यही वो देश जहां पर पहली बार मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी, मेट्रो ट्रेन 400 किलोमीटर पर आर गति से भागने वाली मेट्रो इसी देश में है। और यही वो देश है जहां पानी के अंदर से मेट्रो चलाई जाती है, ये वो देश है। और हमारे भारत देश में मेट्रो चलेगी कहां से पता है, ये जापान देश की तकनीक पर ही मुंबई से अहमदाबाद के बीच में ये वाला ये ट्रेन चली है, 2016 में बनी थी, अभी 28 तक का समय दिया हुआ है, यहां मेट्रो चलने वाली भारत देश में। ओ कौन सी वाली, बुलेट ट्रेन, बुलेट, ये मेट्रो नहीं बुलेट है वाली, बुलेट ट्रेन, यहां बुलेट चलेगी। चलिए तो ये था अयोध्या पहाड़ पावर प्रोजेक्ट कहां पर है। तो सामान्यतः विद्यार्थी आंसर लगाएगा अयोध्या मतलब उत्तर प्रदेश सोच लेगा, भगवान राम का जन्म स्थान, वो नहीं भैया, ये वाला है अयोध्या पावर पहाड़ प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है पश्चिम बंगाल में, हुई है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, और 1998 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी और 2022 में अब यहां पर काम शुरू हो चुका है। बताइए समझ आया कि नहीं आया, तो यहां तक का आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2022 में इमरान खान, पाकिस्तान से एक खबर निकल के आ रही है कि 28 तारीख को, 28 मार्च 2022 को इमरान खान के खिलाफ वहां की संसद में अविश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव रखने वाले हैं क्योंकि इमरान खान उस देश से अब हटने वाला है, कुर्सी उसकी जाने वाली है। तो 2022 में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव केस लाते हैं तो संसद में रखते हैं प्रस्ताव। देखो संसद तीन पार्ट संसद के हैं, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति भारत में है, तो 545 मेंबर लोकसभा के हैं, 250 राज्यसभा के हैं और एक राष्ट्रपति का है। तो लोकसभा में कम से कम
100 सांसद बोलना चाहिए, 545 में से 100 सांसद कम से कम कि हाँ इस व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। तो यह विश्वास अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, फिर लोकसभा में लाया। अब उसके बाद में फिर टोटल जनसंख्या का 545 का 2/3 बहुमत से यदि बिल पारित हो गया तो लोकसभा में बिल पारित माना जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर यहाँ 2/3 बहुमत से बिल पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और पारित हो गया तो प्रधानमंत्री हट जाएगा या राष्ट्रपति हट जाएगा, जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो व्यक्ति हट जाता है। तो सेम यहाँ पर प्रोसीजर पाकिस्तान में लाई जा रही है और वहाँ का जो इमरान खान है उसकी सरकार अब गिरने वाली है, कन्फर्म है। 2022 में एक खबर और निकल के आ रही है, इजराइल देश के प्रधानमंत्री नेफ्तली बेनेट का भारत दौरा चालू हो रहा है। नेफ्तली बेनेट 2 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में भारत देश में रहेंगे और इजराइल देश की सरकार अब भारत देश में बहुत सारा काम करने वाली है, समझौता कर रहे हैं। समझौता ऐसा, जैसे आपको पता होगा कि भारत देश में जितने सुरक्षा व्यवस्था हमारे भारत देश में, AK-47 जैसे और भी हमारे भारत देश में पिस्तौल है, बंदूक है, गन है, ये हमको मिलती कहाँ से, इजराइल से मिलती है और इजराइल तकनीक हमारे भारत देश में काम आती है और इन देश की तकनीक से ही हम लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्था बना पा रहे हैं। तो इजराइल देश से हमको ये मिलता है और भी 2022 में समझौते होने वाले हैं, वो समझौते जब हो जाएगा तब आपको बता देंगे हम कि समझौते कौन कौन से हुए हैं। अच्छा, बात आई है AK-47 की, तो इसमें एक और AK-47 से अपडेट वर्जन और आया है, AK-203, ये रशिया ने बनाया है, ये था इजराइल का, ये है रशिया देश का, बहुत ही तेज तर्रार घातक AK-203 रशिया ने बनाया है। और रशिया देश अभी अटैक कर रहा है, अब किसके ऊपर, यूक्रेन देश के ऊपर, यूक्रेन देश पे अटैक कर रहा है, ये मिसाइल वगैरह सब उसमें मिसाइल है, गोला बारूद भंडार, गन, ये सब उसके ऊपर अभी ट्रायल कर रहा है। तो यहां तक का आपको समझ आ चुका होगा।